मथुरा नगरी जात रीपर सोही लौट के समझाने लगे। राधा रो नहीं, परसों आई। मामा ने बुलाया है, धनुष यज्ञ मथुरा में हो रहा है, धनुष यज्ञ देखेंगे, परसों चले आएंगे, इसमें रोने की क्या बात है राधा। तो राधा एक बात बोली, श्याम अब तुम नहीं आओगे, अब हमें खूब पता है कि तुम्हें अच्छा नहीं लगता है वृंदावन में, तुम्हारा दिल उग गया इस वृंदावन में रहते रहते, अब तुम्हें यहां बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, अब नहीं आओगे। अगर हमें यह पता होता कि तुम पत्थर भी हो, तुम मोम भी हो, तो हम तुमसे कभी इतनी नहीं करते कन्हैया। क्या चलते समय, क्या जाते समय तुम एक बार हमसे मिल नहीं सकते थे? क्या तुम मुझसे ये नहीं कह सकते कि मथुरा जा रहा हूं? ये सब कहने के बाद राधा के आंखों से आंसू निकले आए और एक बात कहती है वो राधा श्याम कि रोई गई राधा सुकुमारी कोई पकड़ी श्याम। जाते जाते अब जा तो रही हो, लेकिन जाते जाते हमें एक सवाल का उत्तर और देते जा मोहन। क्या तो बोली है वो राधा श्याम, क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आई है? बोले अरे क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आई है? परसों तक कैसे जी पाए हैं? पकड़ी श्याम को बोली राधा कन्हैया, अरे बालापन से संग संग खेली Thank you.
से संग संग खेली कैसे तुम बिन रहूंगी अकेली। कोई पकड़ श्याम को राधा जो है वो भगवान से बोली है श्याम अब तुम नहीं आओगे क्योंकि तुम्हारा दिल उब गया है इस वृंदावन में रहते रहते। तुम्हें यहां बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कन्हैया अब तुम यहां नहीं वापस आओगे क्योंकि हमें एक बात पता है। राधा कहती है कि बहा ज्ञान ध्यान धारी पंडित अनेक रहे और यहां ग्वाल बाल और गोपियां गमार ने जहां साग बथुआ को सो फूवरियन के हाथ को और वहां सुंदर भोजन बनाती सुंदर नारी है जहां घास फूस की और झोंपड़ियन में रहनो पड़े और वहां उन अमीरन के अटा और अटारी है। लेकिन रहियो बिहारी जहां रही बे की इच्छा तुम्हारी ओ मोई भूली मती जइयो मैं तो प्रेम की पुजार ने जो ये सब कहे तो कि ना बोल श्याम पर आया ओ बलदारू ने समझा समझाते हैं। राधा रुओ नहीं परसों की कह रहे कन्हैया तो अवश्य आएंगे तसल्ली रखो परसों की कह के परसों का वादा देकर।